पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली से दिल्ली एनसीआर बेहाल है। राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, जिससे निजात दिलाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कई सिफारिशें की, जिसके तहत राजधानी में रहने वाले लोगों को दमघोटू हवा से बचाने के लिए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जबकि आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों की एंट्री जारी रहेगी। CAQM ने सरकार को एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का सुझाव दिया है। वहीं राज्य सरकारें चाहे तो दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू कर सकती हैं, जिससे दिल्ली NCR की हवा में बढ़ते जहर को रोका जा सके, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में किसान सख्ती के बावजूद पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका असर अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें कई लाल निशान दिखाई दिए। बताया गया कि ये पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के बाद के हालात की है। दिल्ली में प्रदूषण की मार से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कुछ सुझाव पेश किया है, जिसमें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्राफ स्टेज 4 लागू हो चुका है, जिसके तहत अब दिल्ली NCR में डीजल वाले वाहन नहीं चलेंगे। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4th स्टेज लागू कर दी गई है। दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जा सकता है, इसका मतलब एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी बाहर निकलेगी। हाईवे से लेकर फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन का काम बंद किया जा सकता है। राज्य सरकारें सिर्फ 50% कर्मचारियों के दफ्तर बुलाने का आदेश भी दे सकती है। वहीं नोएडा में प्रशासन ने स्कूल 8वीं तक के बंद करने का आदेश दिया है, जबकि स्कूल ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही है। पंजाब के कई जिलों में किसान बेखौफ पराली जला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 3 नवंबर को 2,666 खेतों में पराली जलाई गई, जिसके बाद पराली जलाने के मामलों की संख्या 24,000 के पार जा पहुंची। पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। हरियाणा में सिर्फ 128 जगह ही किसानों ने पराली जलाई है। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों